Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the first part of the solutions to NCERT questions of the first chapter of Class 10 Chemistry, Chemical Reactions and Equations. In this video, we will discuss solutions to in-text exercises. So let's begin. First question we have is, why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? Magnesium ribbon ko burn karne se pehle क्लीन क्यों करना ज़रूरी है. मैग्नीशियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल. व्हेन स्टोर्ड इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस. दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल एंड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन. मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय सैंड पेपर टू रिमूव दिस लेयर सो दैट द अंडरलाइंग मेटल कैन बी एक्सपोज्ड इनटू एयर. मैग्नीशियम जो है वो बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, तो जहाँ भी स्टोर करते हैं वहाँ पे वो रिएक्ट एयर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है अपने ऊपर. अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होने की वजह से एयर के साथ रिएक्शन उसका फर्दर पॉसिबल नहीं होता है, तो सैंड पेपर यूज़ करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर ऊपर से रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से मेटल जो है मैग्नीशियम प्योर मेटल वो एक्सपोज हो जाए टू एयर और रिएक्शन कैरी आउट हो सके. नेक्स्ट क्वेश्चन, write the balanced equation for the following chemical reactions. Hydrogen plus chlorine will give hydrogen chloride. इसका balanced chemical reaction दिखाना है. तो H2 plus Cl2, hydrogen plus chlorine will give hydrogen chloride HCl, which is 2HCl because of balancing. तो एक दो H हैं, दो Cl हैं on the left side, so दो HCl बनेंगे on the right side, इसलिए 2HCl. So it's H2 gaseous plus Cl2 gaseous will form 2HCl gaseous. Second is barium chloride plus aluminium sulfate form barium sulfate plus aluminium chloride. Barium chloride BaCl2 plus aluminium sulfate Al2SO4 whole thrice will form barium sulfate BaSO4 plus aluminium chloride AlCl3. अब balance करेंगे तो Al2SO4 whole thrice, Al2 है यहाँ पर, AlCl3 है, तो single Al है यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई किया. अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे Cl जो है वो 6 हो गए. अब राइट साइड पे Cl बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया BaCl2 को, तो वहाँ भी Cl 6 हो गए. और Ba को बैलेंस करने के लिए 3Ba हो गया. लेफ्ट साइड पे बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया BaSO4 को. अब यहाँ पे 3S हो गए, जो कि ऑलरेडी है SO4 होल थ्राइस में 3S हमारे पास है, लेकिन SO4 में 4O हैं, तो यहाँ पे O भी बैलेंस हो गए टोटल. इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस है, बिकॉज 4 3 12 ऑन द राइट साइड एंड अगेन SO4 होल साइज, तो हमें 12 O ऑन द लेफ्ट साइड ऑल्सो. नेक्स्ट इज सोडियम प्लस वाटर विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. सोडियम इज Na, वाटर इज H2O, सो Na प्लस H2O विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस वाटर H2 हाइड्रोजन. अब यहाँ पे H2 हाइड्रोजन बना H2O, तो ऑन द राइट साइड देयर 3 हाइड्रोजन, ऑन द लेफ्ट साइड देयर 2 हाइड्रोजन. बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई किया 2 से NaOH को, और Na बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया Na को ऑन द लेफ्ट साइड, और 2 से H2O को, तो O ओवरऑल बैलेंस हो गया बाई 2 एंड H इज बैलेंस बाई 4. दिस इज बैलेंस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स एंड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. स्टेट सिंबल के साथ, यानी कि कौन सी स्टेट में कौन सा प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है, उसके साथ रिएक्शन पूरी लिखनी है. फॉर द रिएक्शन सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर टू रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. यानी कि BaCl2 plus Na2SO4 form BaSO4 plus 2 plus NaCl. ये रिएक्शन है, इसको बैलेंस किया हमने. विद स्टेट बताना था, तो एक्वस फॉर्म में है BaCl2 क्लोरीन के साथ सोल्यूशन है बेरियम का, जिससे एक्वस फॉर्म प्लस Na2SO4 सल्फेट है अगेन एक्वस फॉर्म, विल फॉर्म BaSO4 अगेन सल्फेट एक्वस फॉर्म एंड प्लस NaCl दैट इज ऑल्सो फॉर्म विद एक्वस फॉर्म. सेकेंड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर, सब कुछ इन वाटर था इसलिए एक्वस फॉर्म में आएगा. फिर अगेन सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड सोल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर.
यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बना, वाटर बना, एक्वस इन वाटर है दोनों रिएक्टेंट्स जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एन एच एक्वस प्लस एच सी एल एक्वस विल फॉर्म एन ए सी एल विच इज सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन सोल्यूशन एंड वाटर सोल्यूशन इज अगेन इन लिक्विड इन वाटर सो एन ए सी एल एक्वस प्लस एच टू विच इज लिक्विड इटसेल्फ इन वाटर है तो इट विल बी एक्वस फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर द वाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट द फॉर्मूला. वाइट वॉश करने के लिए एक एक्स सब्सटेंस यूज करते हैं, इसका नाम बताना है और फॉर्मूला बताना है. द सब्सटेंस एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड, केमिकल फॉर्मूला इज सी ए ओ. कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं फॉर वाइट वॉशिंग एंड सी ए ओ उसका फॉर्मूला होता है. राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन द फर्स्ट विद वाटर. अब जो हमने नेम दिया एक्स को, जो हमने नाम दिया सी ए ओ कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रिएक्शन विद वाटर. सो सी ए ओ सॉलिड प्लस एच टू ओ लिक्विड विल फॉर्म सी ए ओ एच होल्ड वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस विच इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स डबल टू डेट ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर टेस्ट ट्यूब, नेम दिस गैस. तो बुक में एक क्वेश्चन एक्टिविटी दी हुई है इन द एनसीईआरटी बुक 1.7, उसमें पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डबल देन द अदर बाय, और कौन सा गैस है. सो वाटर contains two parts of hydrogen and one part of oxygen. Therefore, the amount of hydrogen oxygen produced during electrolysis of water is 2:1 ratio. H2O है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसलिए रेशियो 2:1 का है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का. During the electrolysis, since hydrogen goes into one test tube and oxygen goes into another test tube, the amount of gas collected in one test tube is double than the amount of hydrogen in another test tube. अब जब उसको electrolyze किया, सेपरेट हो गए दोनों, तो H अलग होगा, O अलग होगा, क्योंकि डबल थे H इज एच टू ओ सिंगल मॉलिक्यूल, इसलिए H की क्वांटिटी वो डबल है O से. नेक्स्ट, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आयरन नेल एक कील डालने से सोल्यूशन का कलर जो है वो चेंज क्यों हो जाता है. When iron nail is placed in a copper sulfate solution, the iron displaces copper from the copper sulfate solution forming iron sulfate, which is green in color. Copper sulfate के solution में iron डाला तो copper sulfate के solution से copper को replace कर दिया iron ने, और copper sulfate की जगह बन जाएगा iron sulfate, इसलिए color change हो जाता है. कैसे, Fe solid iron plus CuSO4 copper sulfate solution aqueous will form आयरन सल्फेट FeSO4 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड. नाउ इनिशियली ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था वो ब्लू था, अब बन गया आयरन सल्फेट सोल्यूशन जो कि होता है ग्रीन, इसलिए कलर चेंज हो गया. देयरफॉर ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड्स एंड ग्रीन कलर अपीयर्स. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन द एक्टिविटी. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देना है जो कि एक्टिविटी में नहीं दिया है, उसके अलावा कोई भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देना है. सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद कैल्शियम क्लोराइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दोनों तरफ से. कैसे, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एक्वस रिएक्ट्स विद कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एक्वस टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl2. यहाँ क्या हो रहा है कि Na2CO3 से Na2 हटा और CaCl2 से Cl2 हटा, दोनों कंबाइन होकर 2NaCl बना दिया, डिस्प्लेसमेंट हो गया. Na2CO3 से CO3 आया और CaCl2 से Ca आया, कैल्शियम आया और कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया. तो दोनों तरफ से यहाँ पर किसी एक से स्प्रेस नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि Na2CO3 से CO3 निकाल के CaCO3 बना दिया, नहीं, Cl2 भी डिस्प्लेस हुआ फ्रॉम CaCl2 और Na2 भी डिस्प्लेस हुआ फ्रॉम Na2CO3, इसलिए इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन. रिएक्शन में ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है और रिड्यूस क्या हो रहा है ये बताना है. पहला रिएक्शन है 4Na सॉलिड प्लस O2 गैसियस विल फॉर्म 2Na2O सॉलिड.
यहाँ पे सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो गेन कर रहा है, Na2O बना रहा है फ्रॉम Na, और ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, एलिमिनेट हो गया, बचा ही नहीं तो रिड्यूस हो गया। फिर दूसरा है CuO सॉलिड प्लस H2 गैसियस विल फॉर्म Cu सॉलिड प्लस H2O लिक्विड। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है, और H2 जो है हाइड्रोजन वो ऑक्सीडाइज होकर के वाटर बना रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उनके काम आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।